क्या आपने कभी ये सोचा है कि फरवरी में हमेशा 28 डेज ही क्यों होते हैं? क्योंकि बाकी मंथ में तो 30 and 31 डेज होते हैं, तो फरवरी में हमेशा 28 डेज ही क्यों? लेट्स फाइंड आउट। तो अर्थ को सन का एक राउंड पूरा करने में 365 डेज लगते हैं। तो जब कैलेंडर बन रहा था तो लोगों ने क्या किया कि 365 को 12 के साथ डिवाइड कर दिया मून की मूवमेंट के हिसाब से। बट वेट, अगर हम 30 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आता है 180, और 31 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर निकल के आता है 186। तो अगर इन दोनों का हम सम करें तो उसका आंसर निकल के आता है 366। बट अर्थ को तो सन का एक राउंड पूरा करने में 365 डेज लगते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर ने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फरवरी मंथ में से एक दिन को निकाल दिया। तो कई सालों बाद ये पता चला कि अर्थ को सन का एक पूरा चक्कर करने के लिए 365.25 डेज लगते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 4 सालों को मिला के जो एक दिन बच रहा था, एस्ट्रोनॉमर्स ने वो एक दिन फरवरी में ऐड कर दिया, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो फरवरी में एक दिन बच रहा है वो कहाँ गया? वो दोस्तों कहीं नहीं गया, बस वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जुलाई और अगस्त दोनों मंथ में 31 डेज होते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो जूलियस सीजर नाम के एक राजा थे जिन्होंने जूलियन कैलेंडर बनाया था, और उन्हीं के नाम के ऊपर जुलाई मंथ भी बनाया गया था। और बाद में एक और राजा हुए जिनका नाम अगस्त था, और उन्हीं के ऊपर अगस्त मंथ बनाया गया था। और जब कैलेंडर बन रहा था तो अगस्त राजा ने कहा कि उनको तो अपने मंथ में 31 डेज ही चाहिए। तो उनकी इस बात को पूरा करने के लिए तो एस्ट्रोनॉमर ने फरवरी मंथ का एक दिन वहां से निकाल कर अगस्त मंथ में ऐड कर दिया, जिससे फरवरी में 28 डेज रह गए और अगस्त मंथ में 31 डेज हो गए। अब क्वेश्चन ये उठा है कि ये सब कुछ फरवरी मंथ में ही क्यों हुआ? क्योंकि ये इसलिए हुआ कि फरवरी मंथ रोमन कैलेंडर के अकॉर्डिंग लास्ट मंथ माना जाता था। तो जो फर्स्ट रोमन कैलेंडर बनाया गया था उसमें सिर्फ 10 मंथ थे, मार्च टू दिसंबर। और बाद में नूमा पॉपुलस नाम के एक राजा ने 2 मंथ ऐड करवाए थे, जनवरी और फरवरी, जो कि लास्ट में ऐड किए गए थे। और जो हम आज के टाइम में जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, जो कि अक्टूबर 1582 में बनाया गया था और आज तक उसको यूज किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।